क्लच कितना ज्यादा डाउन है। दया आ रही है यार गाड़ी को ऐसे देख के। कम बजट में जो है बड़ी गाड़ी हो, जो गले में सांप लटका हुआ है ना उसको कहीं दूसरे गले में डाल दिया जाए। तो विपिन भाई की गाड़ी आ चुकी है न्यू अलॉय व्हील और टायर डलवा करके। तो अभी भाई ने स्टॉक जो अलॉय होते हैं स्कॉर्पियो वाले वो डलवाए हुए हैं। कुछ दिनों से बारिश हो रही थी तो अपनी गाड़ी की हालत आप देख सकते हो कितनी गंदी हो रखी है भाई। सुबह के बज रहे हैं 9:30। Hey guys, good morning and welcome back to Rambling Boundaries। सवेरे के बजे 9:30 और हम निकल रहे हैं अपने ऑफिस के लिए। हमारा तुंगनाथ वाला जो ट्रिप है वो बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक रहा है। आपने देखा होगा लास्ट वीडियोस, पिछले कल एक्सयूवी को लेकर के यहाँ से निकला था अपने ऑफिस के लिए, तो उसका मुझे हल्का सा जो क्लच है वो डाउन लगा। डाउन इन द सेंस ये है कि जैसे आप क्लच प्रेस करते हो तो क्लच ऊपर आ जाता है, तो उसका ऑटोमेटिकली आधा अंदर जा चुका था, तो मैं उसको वैसे ही ले गया। मैंने सोचा चलो ठीक है कोई इशू नहीं है। मैंने मैकेनिक को फोन किया तो मैकेनिक बोला ज्यादा दूर लेके मत जाना, तो इसको अपने सराउंडिंग एरिया में घुमाते रहना। तो मैंने ऑफिस तक ले गया उसको। शाम के टाइम जब छुट्टी हुई मेरी, तो छुट्टी होने के बाद जो है वो क्लच पूरा ही प्रेस हो गया था अपने आप और वो उठ ही नहीं रहा था। मतलब 70% टायर मेरा जो है घिस चुका है, और जो सेकेंड हैंड टायर डलवाया था उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आना भी स्टार्ट हो चुकी है कि मेरी गाड़ी जो है ना भाई बबलिंग कर रही है ऐसे ऐसे डग 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 अगर मैं 40 और 50 की स्पीड में चल रहा हूँ तो। और ये प्रॉब्लम मैंने अभी मैकेनिक को भी चेक करवाई तो वो बोल रहा है कि ये सिर्फ टायर का इशू है, इस वजह से आपकी गाड़ी जो है बबलिंग कर रही है। तो इसलिए जो मैंने टायर सेकेंड हैंड पीछे डलवाया हुआ था उसको उठा करके मैंने डलवा दिया आगे, और आगे वाला टायर करवा दिया पीछे ताकि मैं चेक कर सकूं। अब मैंने ये काम करवाया था परसों, अभी जा करके ये फील आ रहा है क्योंकि मैं बीच में चला नहीं रहा था गाड़ी, तो आज मुझे फील आ रहा है कि गाड़ी फिर से वैसी ही बबलिंग करना स्टार्ट कर दिया है। अपनी गाड़ी में एक टायर अगर खराब हुआ है तो एक टायर मत चेंज करवाओ कभी भी, उसके साथ दो टायर ले लो, या तो एक टायर लेने का कोई फायदा नहीं होता, दो टायर लोगे तो आपकी गाड़ी का सीक्वेंस जो है बना रहेगा। तो ये मैं आपके साथ अपना जो एक्सपीरियंस है सेकेंड हैंड चीजों को लेकर के शेयर करता रहता हूँ ताकि जो है भाई आप भी कोई चीज का धोखा ना खाओ। ये खड़ी हुई है अपनी गाड़ी यहाँ पे भाई, कल शाम को यहाँ पे ब्रेक लगी थी और गाड़ी यहाँ की यहाँ ही है और यहाँ से हिली नहीं है बेचारी। तो अभी मैं फिलहाल बैठ चुका हूँ अपनी गाड़ी में, तो आप इसका देख सकते हो भाई क्लच कितना ज़्यादा डाउन है, कितना ज़्यादा डाउन है। ये पूरा ख़त्म हो चुका है अभी नीचे, तो इसकी क्लच प्लेटें जो है अभी डलवाने वाली हो चुकी हैं। तो भाई एक्सयूवी में बैठने का मज़ा कुछ अलग ही है। मैक्सिमम लोग जो है भाई ये फीलिंग का मज़ा लेना चाहते हैं, और लोग सोचते हैं कि जैसे मेरा सोचना भी था कि भाई मेरे पास भी कम बजट में जो है बड़ी गाड़ी हो, तो वैसे ही मेरे कई YouTube में मेंबर्स हैं, जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो मुझसे एक सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि भाई हमें XUV 2012 मॉडल 3.5 लाख की मिल रही है, 4 लाख की मिल रही है, तो क्या हम उसको बाय करें या ना बाय करें। आज मैं आपको इसका एक रीजन बताने वाला हूँ कि उसको बाय क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जैसे NCR में अगर आप रहते हो या दिल्ली मथुरा बिहार मैक्सिमम उस साइड से क्वेरियाँ आ रही हैं, तो 2012 मॉडल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है सीधे और साफ लफ्ज़ों में। इसीलिए क्योंकि भाई एक तो उसकी लाइफ जो है मैक्सिमम ख़त्म ही होती है, अगर कोई भी बंदा बड़ी गाड़ी लेता है ना भाई तो उसकी पूरी बैंड बजा दी होती है उन्होंने, क्योंकि भाई 18 या 19 लाख रुपए की आपको XUV पड़ती है जब आप नई लेने के लिए जाते हो मार्केट में। तो कोई भी मेंबर ऐसा नहीं होता, जो XUV मेंबर्स होते हैं वो अपनी गाड़ी को अच्छा खासा चलाते हैं, बहुत रेयर होते हैं जो अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस बहुत प्यार से रखते हैं। मैक्सिमम लोग जो है भाई उसको रगड़ धगड़ के सेल आउट करने की ही सोचते हैं। तो 2012 मॉडल लेने का भी ये बड़ा रीज़न है कि आप 2012 मॉडल इसलिए ना लें क्योंकि उसकी लाइफ तो ख़त्म है, आगे एक्सटेंड होने वाली नहीं है। मिनिमम एरियाज हैं जहाँ पे आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हो 5 साल के लिए और मे बी। और दूसरी बात यह है कि भाई XUV में इतने ज़्यादा इशू है ना, अगर आपका काम प्रॉपरली जैसे टाइम टू टाइम नहीं हुआ है, सेंसर प्रॉब्लम है, या फिर अभी जैसे रिसेंट मेरा भी प्रॉब्लम आया हुआ है, इसके वाइपर नहीं चल रहे हैं, वाइपर इसमें बहुत इरिटेट कर रहे हैं। इसके फ्रंट वाले वाइपर हैं ये वाले, अगर मैं इसको एक बार दबाता हूँ आपको लगा के दिखाई देता हूँ मैं कि क्या इशू आ रहा है। तो शीशे ऑटोमेटिक मिलते हैं आपको W8 में, तो जैसे ये देखो भाई चल पड़ा यार, ये क्या था चमत्कार भाई, ये चमत्कार कभी भी हो सकता है XUV के साथ। XUV है तो ये चीजें होना लाजमी है आपके साथ। आपको कोई पता नहीं है कि कौन सी चीज कब खराब हो जाती है,
और कब अपने आप ठीक हो जाती है ये मुझे नहीं पता। तो और आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने फिर भी लेने का मन बना ही लिया है XUV की, नहीं हमें XUV 500W8 2012 या 2013 मॉडल हमें चाहिए, तो सबसे पहले जो है एक चीज़ का ध्यान रखें। आप मेरे ये चीज़ें देख पा रहे होंगे, ये देखो चीज़ ये कितनी ज़्यादा घिस चुकी है पैडल, इवन जो प्लास्टिक है वो तो कट चुका है, और ये जो लोहे वाला पैडल है ना भाई, ये घिस घिस के आधा हो चुका है। तो इसका निशान ये होता है कि भाई आपकी गाड़ी जो है 1.5 लाख से ऊपर चल चुकी है। तो ऐसी गाड़ी को लेना प्रेफर ना करें, मतलब ये ऐसी गाड़ी को ना लें। पर आज से एक महीने पहले मैंने एक और रिव्यू डाला था अपनी XUV को ही लेकर के, सेकंड हैंड XUV क्यों नहीं बाय करनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि हमें 3 या 3.5 लाख में XUV मिल रही है, क्यों ना हम दिल्ली वाली बाय कर लें। दिल्ली वाली गाड़ी में ये प्रॉब्लम होती है कि उसमें रस्टिंग इशू होता है, क्योंकि वहाँ पे होता है ना भाई, जब बारिश वगैरह होती है वहाँ का पानी खा रहा है तो आपकी जो चैसी वगैरह है ना उसको साड़ देता है, मतलब गला देता है। तो रस्टिंग इशू बहुत ज़्यादा होता है दिल्ली वाली गाड़ियों में। और 3.5 और 4 लाख की गाड़ी तो मैंने सोचता भाई आपको एक भरोसेमंद और सस्ता सौदा है, क्योंकि आपको गाड़ी एक बार सस्ती पड़ती है ना भाई, जब बार बार आपको वो गाड़ी रुलाती है ना तो वो फिर यहाँ पे बचती है। अब जैसे मेरे साथ हुआ है, आप मेरी वीडियो से एग्जांपल ले सकते हो, जो गलतियाँ मैंने की है वो गलतियाँ आप ना करें। मैंने तो अपनी गाड़ी 5.5 लाख रुपए में ली थी, और अभी इसका क्लच प्लेटों का काम होने वाला है जो कि अनसर्टेन है भाई। इस चीज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी इसने टूर बहुत अच्छे निकाले हैं, इसने टूर में मुझे कभी धोखा नहीं दिया है। बट अब इसकी क्लच प्लेटों का काम होने वाला है, और दूसरा इसका AC वर्क नहीं करता, AC का भी काम मैंने करवाना है। तो जो मैंने इस पे काम अभी तक करवा दिया, लगभग 1 लाख क्रॉस होने वाला हूं मैं, और इसका काम मैं करवाऊंगा संडे को, और आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि XUV के क्लच प्लेटों का काम कैसे होता है और क्या क्या इसमें डला है, कितना खर्चा आता है, कितनी लेबर आती है, या फिर अगर मेरे से कोई हेल्प होती हुई तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। बट भाई सेकंड हैंड XUV लेने से पहले जरूर ये चीजें सोचें कि आप कहीं फंस तो नहीं रहे हो, कि कोई आपको फंसा तो नहीं रहा है। भाई बहुत रेयर चांस होते हैं कि जैसे अगर मैंने अपनी गाड़ी रखी हुई है, मैं अपनी गाड़ी सेल करूंगा तो पूरी गाड़ी का काम करवा के ही सेल करने वाला हूं इसको, कि ताकि किसी को आगे प्रॉब्लम ना आए, जैसे मैं फंसा हूं कोई आगे ना फंसे। पर भाई दूसरा बंदा गाड़ी सेल करने से पहले ये चीज़ें नहीं सोचता है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरे सर से जो गले में सांप लटका हुआ है ना उसको कहीं दूसरे गले में डाल दिया जाए। अगर आपकी कोई क्वारी हो तो आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, और YouTube में तो आप मुझे मैसेज करते ही हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे आ जाओ, यहाँ पे जय मां स्टोर के पास ही गाड़ी खड़ी है। हम सोच रहे थे अपनी A-Star के साथ इसको खींच के ले जाते हैं, बट नहीं, इसको खींच के ले जाना अपने बस की बात नहीं थी। A-Star के ले भी जाते अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती फिर दिक्कत हो जाती है। तो फिलहाल हम अपनी गाड़ी को लेकर के जा रहे हैं यहाँ से, और सीधा मनी माजरा में ब्रेक लगेगी, और शाम के बजे में 6:30। और भाई जो क्रेन वाला भाई है ना बहुत गुस्सा कर रहा है। बंदा बोल रहा है भाई 500 रुपये मुझे कुल्ले दे देना। मुझे ना अपनी गाड़ियाँ ऐसे देख के ना बहुत ज़्यादा दया आ रही है यार, गाड़ी को ऐसे देख के ना, ऐसे मुझे देखी नहीं जाती गाड़ी। बाद गाड़ी में एक और प्रॉब्लम आ चुकी है, और ये वाला लॉक जो है भाई इसका ख़राब हो गया है, ये वापस नहीं आ रहा है। तो इसका ओला है वो चला गया भाई, अब टूट ही गया वो मेरे टैंक वाली जो प्रॉब्लम है वो अभी सॉल्व नहीं हुई है। ये बोल रहे हैं कि भाई अपना टाइम क्यों बर्बाद करना, कल गाड़ी लेकर के आओगे ही तब जा करके हम इस टैंक वाला काम भी सेट करवा देंगे, क्योंकि इसकी वायरिंग डलनी है
वायरिंग मेरी गाड़ी वाली की पूरी ख़राब है, डिक्की की भी खुलती नहीं है, जो कि वायर है यहाँ से अंदर से जैसे खुलता है ना वो वाला नहीं खुल रहा, और फ्यूल टैंक वाला तो अभी मैंने तोड़ ही दिया, वो खुद से मैंने उसके अंदर वो पिन करा और पिन करने के बाद वो टूट गया है। दिन बारिश रही, कितना प्यारा मौसम था, और ये जितनी धूल थी भाई नीचे बैठ गई थी, अब बारिश ख़त्म धूल स्टार्ट। तो कल सवेरे 9 बजे हम ठीक मनी माजर में पहुंच जाएंगे और गाड़ी का पूरा काम होते हुए आपको दिखाएंगे कि हमारी गाड़ी में क्या क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ खुल रही है, कौन सी चीज़ नहीं डल रही है, और क्लच प्लेटें डालने के लिए एक्सयूवी में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं खुद भी सीखूँगा और आपको भी सिखाऊँगा, यानी कि दिखाऊँगा। सीखना तो क्या यार, एक नॉलेज रहती है आपके माइंड में कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, और फिर गाड़ी आप उसी हिसाब से चलाते हो कि नहीं भाई वो चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जो कि मैं कल लूँगा, संडे वाला दिन कल रहेगा अपना पूरा प्रैक्टिकल डे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग जो है अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ भाई, मेन चीज़ तो मैं बताना भूल गया अभी, तो काफ़ी टाइम का जो वेट था वो आज कंप्लीट हो चुका है और हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका है, तो उस चीज़ के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ तो उस चीज़ के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है, और उम्मीद करता हूँ आगे भी आप मेरा साथ ऐसे ही देंगे और हमारी वीडियो को जो है पसंद करते रहोगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैम्बलिंग बाउंड्रीज। जय हिंद।